अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के आह्वान पर यूपी के मजदूरों को उनके घर भेजे जाने की व्यवस्था की गई है। रविवार को कई बसों के द्वारा उनको भेजा जा रहा था, लेकिन यूपी सरकार से अनुमति नहीं मिलने के कारण श्रमिकों ने बॉर्डर पर कई घंटों इंतजार किया। इस दौरान चिकित्सा राज्य मंत्री सुभाष गर्ग और कांग्रेस नेता जुबेर खान मौके पर पहुंचे, लेकिन अनुमति संबंधित कोई सूचना नहीं मिली तो सभी को वापस लौटना पड़ा। मंत्री सुभाष गर्ग ने कहा कि राज्य में होकर हजारों की संख्या में प्रवासी मजदूर पैदल अपने राज्यों के लिए यात्रा कर रहे हैं। राज्य सरकार ने इन मजदूरों के लिए आवास, भोजन और अन्य साधनों की व्यवस्था की है, लेकिन यूपी सरकार इन मजदूरों के लिए कोई व्यवस्था नहीं कर रही है। कांग्रेस ने यूपी सरकार को बसें मुहैया करवाने के लिए आग्रह किया है, जिसके तहत अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली जिलों से कई बसों को उत्तर प्रदेश में प्रवेश करने के लिए तैनात किया गया, लेकिन सरकार से अनुमति नहीं मिली, जिसके कारण मजबूरन बसों को वापस लौटना पड़ा। कमेटी की जो प्रभारी महासचिव हैं यूपी की श्रीमती प्रियंका गांधी, उनके इनिशिएटिव पर 500 बसें जो लगाई जा रही हैं, और उसमें उन्होंने मांग की है कि यूपी सरकार अनुमति दे और मानवता के आधार पर जो माइग्रेंट लेबर है, जो 500 किलोमीटर 1000 किलोमीटर चल के पैदल आ रही है, जिस तरह से राजस्थान सरकार ने एक व्यवस्था की, हर जगह कैंप लगा दिए, वहाँ खाने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, बसेज हैं, हर SDM जो है हेडक्वार्टर के आसपास बसेज की व्यवस्था है, कोई भी पैदल चलता हुआ आदमी दिखाई दे तो उस बसेज में बैठाओ और गंतव्य स्थान तक, बॉर्डर तक उसको ले जाओ। कुल मिलाकर मैं ये कहना चाहूँगा, यूपी वाले नहीं चाहते कि कोई मदद उनकी की जाए, वो ये चाहते हैं कि वो सेल्फ सफिशिएंट है और अपने आप उसको कुछ कर सकते हैं। हमारी सड़कों पर देख लीजिए और उनकी सड़कों पर देख लीजिए क्या कितना फर्क है। हमने सारी बसें लगा करके 67,000 आदमी एक बार निकाले भरतपुर बॉर्डर से, 33,000 आदमी एक बार निकाले भरतपुर बॉर्डर से, और भी बसेस कल से लग रही हैं जो बांसवाड़ा गुजरात वहाँ से आ रही हैं, लेकिन यूपी को पता नहीं क्या समस्या है। पिछली बार हमारी पुलिस के साथ मारपीट की, किसानों के ट्रैक्टरों को ले गए रारे पर, लेकिन उस और पुलिस के साथ आपस में झड़प हुई, तो ये क्या मेरी समझ में नहीं आ रहा, इतना अमानवीय सोच क्यों है, इससे ज़्यादा अभद्र व्यवहार